हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एथलेट फूट के बारे में। ये है क्या, इसका इलाज क्या है और इसको कैसे पता चलेगा कि किसी को एथलेट फूट है कि नहीं, तो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारे इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एथलेट फूट के बारे में। दोस्तों, ये नाम सुन के बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये इनको तो कोई बहुत बड़ा डिजीज हो गया। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है। तो फिर इसको एथलेट फूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर एथलेट यानी कि खिलाड़ियों में दिखाया जाता है और वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है और वो जो कि पैरों में होता है। ठीक है दोस्तों, और स्पेशली जैसे कि अब स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि उंगलियों के बीच में हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों इस एथलेट फूट में। और ये बीमारी में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ब्लॉड भी निकल सकता है, पस भी निकल सकता है। ठीक है, और पैरों के उंगलियों के बीच में हो जाता है या फिर पैरों के नीचे भी हो जाता है दोस्तों। तो ये सब का अगर बात करेंगे तो ये एथलेट फूट होता है। अभी बात करेंगे दोस्तों एक्चुअली ये होता है क्यों है। जैसे कि मैं बताया कि खिलाड़ी का काम क्या है भाई, वो जाके फील्ड में खेलेगा। तो वो जो फील्ड में खेलता है दोस्तों, हमेशा वो क्या होता है, हमेशा घास के ऊपर दौड़ता रहता है, ऐसा कुछ होता है उसके लिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो घास में जो पानी रहता है ये हमेशा उसके मतलब अपना पैरों के कांटेक्ट में आ ही जाता है। तो पैरों के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर अगर वो अच्छे से साफ नहीं करता है, रखता है अपना पैर को, तो फिर क्या होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर बहुत लोग आप देखे होंगे हमेशा शू पहनते रहते हैं, वो शू कभी भी नहीं निकालते, बहुत ही रेयर, मतलब रात के सोने के टाइम ही जाके निकालेंगे, ऐसा ही होता है कुछ लोगों का। तो इसके लिए भी हो जाता है दोस्तों एथलेट फूट, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके साथ साथ कोई अपना मोजा को कभी साफ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही पहन के चले जाएंगे, मतलब 15 दिन 20 दिन तक कोई साफ नहीं करेंगे, बदबू आ रहा होगा। सबको ये लगता है कि भाई बदबू ही आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आप ये भी मान लो कि भाई वहाँ पर फंगस भी आ चुके हैं और फंगस क्या करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन फैला देते हैं पैरों में। ठीक है, और भी एक रीज़न होता है दोस्तों, जो स्पेशली आप महिलाओं में देखोगे कि उनका भी एथलेट फूट का शिकायत बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा बर्तन साफ करते रहते हैं या फिर कपड़े साफ करते रहते हैं घर में दिन भर। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा उनके पैरों के आसपास हमेशा पानी रहता ही है, क्योंकि वो पानी के साथ ही वो सब किया जाता है। तो इसीलिए जब वो अपने काम ख़त्म करने के बाद बस पैरों को ऐसे धो देते हैं और आ जाते हैं, लेकिन अच्छे से उंगलियों के बीच में साफ नहीं रखते हैं, तो इसके लिए भी एथलेट फूट हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा रीज़न है दोस्तों। तो ये सब जो है रीज़न था एथलेट फूट क्यों होता है। अभी बात करेंगे कि भाई इसका इलाज क्या है। दोस्तों, बहुत सिंपल इलाज है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीफंगल मेडिसिन तो चलेगा ही। तो सबसे पहले हम कुछ कैप्सूल, टैबलेट एंड ऑइंटमेंट का बात कर लेते हैं। तो कैप्सूल में क्या है दोस्तों, वो है इट्राकोनाजोल। जी हाँ दोस्तों, नाम आपको पता होगा, बहुत ही बढ़िया एंटीफंगल मेडिसिन है इट्राकोनाजोल। और इसका आप 100 mg लेना होगा आपको। और इट्राकोनाजोल का जो 100 mg का कैप्सूल है दोस्तों, उसको सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना होगा और वो भी 10 दिन तक खाना होगा। और ये जो भी आप टैबलेट, वो जो कैप्सूल खाओगे, तो वो उससे पहले आपको खाना मतलब अपने खाने के बाद ये कैप्सूल लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। ठीक है, और ये कैसे करना है आपको, 10 दिन तक, मतलब सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना पड़ेगा 10 दिन तक, मतलब 10 दिन में 20 कैप्सूल, अगर 100 mg है तो इट्राकोनाजोल का। लेकिन बहुत ही ऐसे प्लेसेस में 100 mg वाला नहीं मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई 200 mg मिल गया। तो 200 mg अगर मिलता है तो आपको दो बार नहीं लेना है दिन में सिर्फ एक बार लेना है, चाहे सुबह ले हो या फिर शाम को लो, लेकिन ध्यान रहे खाना खाने के बाद ही लेना है और सिर्फ एक ही कैप्सूल लेना है और 10 दिन तक 10 कैप्सूल लेना है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको एक ऑइंटमेंट लगाना है जो कि है कीटोकोनाजोल। जी हाँ दोस्तों, कीटोकोनाजोल जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसमें कीटोडैक आ जाता है और भी बहुत सारा यहाँ पर ब्रांड नेम से मिल जाएगा आपको, जो भी ब्रांड नेम से आपको मिलता है वहाँ पर आपके एरिया में आप ले सकते हो। उसको क्या करना है, जब भी आप अपना काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म होने के बाद पैरों को अच्छे से धोना है, साफ रखना है, थोड़ा सा सुखाना है, और इसके बाद ये जो क्रीम है इसको लगाना है दोस्तों आपने इन्फेक्टेड एरिया में, ठीक है, जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है पैरों में। तो बस ऐसा ही करना होगा आपको 10 दिन तक, 10 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
लेकिन मान लीजिए कि इसमें आपका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, 99% तो मिल ही जाता है अगर किसी को नहीं मिला, तो फिर क्या किया जाता है दोस्तों, फिर ये जो मेडिसिन है उसको चेंज भी किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो क्रीम होता है वो केटोकोनाजोल के बदले लुलिकोनाजोल दे दिया जाता है, ठीक है, लुलिकोनाजोल का यूज किया जाता है, और जो कैप्सूल है इट्राकोनाजोल का जो कैप्सूल था उसके बदले टर्बिनाफाइन का टैबलेट दिया जाता है। तो ये जो है चेंज किया जाता है, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप डायरेक्ट टर्बिनाफाइन का टैबलेट ले लिया और लुलिकोनाजोल का क्रीम ले लिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इट्राकोनाजोल और केटोकोनाजोल ही बेस्ट मेडिसिन है अगर ये एथलेट फूट या फिर फंगल इन्फेक्शन कुछ हुआ है अगर पैरों के, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो उसमें ट्राई करना है। ये तो 100% सही हो ही जाता है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर ये मेडिसिन को आपको दिया जाता है। अभी बात करेंगे, बहुत लोग गलती ये कर लेते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट स्टेरॉइड ले लेते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा स्टेरॉइडल क्रीम मिलता है तो इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, केटोकोनाजोल इट्राकोनाजोल से भी बहुत ही तेज ये आपका रिकवरी कर देता है। रिकवरी मतलब आपका जो भी घाव है वो सूख जाता है, मतलब सही हो जाता है आपका पैर। तो फिर लोग तो बोलेंगे कि हाँ ये तो सही बात है, अगर ये जो फंगल मेडिसिन हम क्यों ले अगर एक क्रीम से ही काम हो जाता है तो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेरॉइड का काम ही है कि आपको बहुत जल्दी राहत तो दे देगा, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे तरह से आपका वो जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करता है, वो आपके बॉडी में दबा के रख लेता है। तो इसका मतलब होगा ये कुछ दिन बाद फिर से वो निकल आएगा और फिर से आप वो स्टेरॉइड लगाओगे और फिर से निकलेगा, ऐसे करते करते आपका ही नुकसान होने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए स्टेरॉइड से तो दूर ही रहिए, पहले तो एंटीफंगल मेडिसिन लीजिए, अगर यहाँ पर सही तो 100% हो ही जाएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आपको स्टेरॉइड लेना है, ऐसे नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी खतरनाक नुकसान हो सकता है स्टेरॉइड लेने का। तो इसीलिए सिर्फ एंटीफंगल मेडिसिन जो भी कि मैं बताया उसमें आपका काम हो जाएगा, जो भी आपका फंगल इन्फेक्शन है या पर आप बोल सकते कि एथलेट फूट है वो सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पूरे वीडियो आज के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया,